हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल की बायोलॉजी की सीरीज़ में। सो पोटेंसी के बारे में बात करेंगे, सेल पोटेंसी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट हम वो बात नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि इंडक्शन वगैरह टॉपिक आते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। ओके, कॉम्पिटेंस एंड सारे टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे। ओके, सो पोटेंसी इज द कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इंटो स्पेशलाइज्ड सेल टाइप। ओके, सो कैपेसिटी और उसकी पोटेंसी क्या है सेल की, उसके अकॉर्डिंग है उसके टाइप भी होते हैं। ओके, मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट। ओके, सो टोटीपोटेंट स्टेम सेल होती है, वो सारी सेल टाइप को है वो बना सकती है, वो आगे हम देखेंगे। ओके, सो ओवरऑल अगर हम देखें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सबसे पहले क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले जैसे कि जायगोट होता है, ठीक है। सो उसके साथ है वो स्पर्म आता है, सॉरी ओवम, ओवम है, ओवन ओवम के साथ स्पर्म है, वो मिलता है, मिलके है वो जायगोट बनाता है, ठीक है। देन वो डिवाइड होके आगे मोरूला बनाता है। तो सो जो मोरूला में जो सेल्स होती है वो सारी सेल है, आईसीएम एंड ट्रोफोब्लास्ट दोनों प्रकार की ये सारी सेल है वो बना सकती है, इसमें इतना पोटेंशियल होता है, इसलिए इसको टोटीपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं, ठीक है। सो जब ब्लास्टोसिस्ट होता है देन बाद में डिवाइडेशन होता है, देन जो बाहरी लेयर होती है, ओके, सो वो है फॉर्मेशन करती है ट्रोपोब्लास्ट का, ओके, और अंदर की इसमें कुछ सेल होती है उसको बोलते हैं आईसीएम, ओके, इंट्रासेलुलर मास। तो आईसीएम ये अलग प्रकार की स्टेम सेल हो जाती है। देन यहाँ तक सारी टोटीपोटेंट स्टेम सेल थी। अब ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल मोरूला वाली, अब ये ट्रोपोब्लास्ट ऊपर वाली जो ये लेयर है प्लेसेंटा वगैरह जो बनते हैं ट्रोपोब्लास्ट, अब ये स्टेम सेल तो ट्रोपोब्लास्ट भी बना सकती है। एंड आईसीएम इनर सेल मास वाली जो आगे इससे जो एम्ब्रियो बनता है वो भी बना सकता है, ये सारे सेल टाइप बना सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल। सबसे ज़्यादा पोटेंसी इसमें होती है ज़्यादा सेल वो टाइप बनाने की। ओके, देन फर्स्ट हो गया टोटीपोटेंट स्टेम सेल, बाद में आता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। सो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है, अब ये जो इनर सेल मास वाली जो ये सेल्स है, ओके, सो ये नीस जो एरिया है इसमें जो सेल्स होती है, सो ये इनर सेल मास ये डिवाइड कर सकता है एम्ब्रियो को, पूरा एम्ब्रियो को फॉर्म कर सकता है, और एम्ब्रियो की जो थ्री जर्म लेयर होती है, ओके, एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस एंड एक्टोडर्मिस, ये तीनों को यानी कि पूरे एम्ब्रियो के फॉर्मेशन है वो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ओके, एंड ये ट्रोफोब्लास्ट यानी प्लेसेंटा वगैरह जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो होती है वो नहीं बनाएगा, ठीक है, ओनली एम्ब्रियो, सो इसलिए इसको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ओके, सो इसमें भी थोड़ा सा पोटेंसी है वो कम हो गई है रिस्पेक्टिव इन रिस्पेक्टिव टू द टोटीपोटेंट स्टेम सेल। देन आती है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। ओके, अब मल्टीपोटेंट स्टेम सेल इसमें जैसे कि एम्ब्रियो में हम बात कर लें, एक स्पेशलाइज सेल ग्रुप को फॉर्मेशन करता है। ओके, जैसे कि ब्लड सेल में आती है, ब्लड सेल होते हैं प्लेटलेट्स, आरबीसी, ओके, डब्ल्यूबीसी, इसको हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल ही है वो एक इस पर्टिकुलर सेल ग्रुप को है, ब्लड ग्रुप, ब्लड में आ गया सारा, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप सेल टाइप के ग्रुप को है वो फॉर्मेशन करता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। जैसे कि ब्लड सेल को है वो फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे एडल्ट स्टेम सेल होती है अलग, वो भी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है। ओके, सो जैसे कि न्यू नर्व सेल्स होती है बहुत सारी अलग अलग टाइप की, सो उसको भी एक पर्टिकुलर स्टेम सेल है वो जनरेट कर सकता है सारे इस पर्टिकुलर ग्रुप को, सो वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होता है। ओके, देन एक यूनिपोटेंट स्टेम सेल आता है, उसमें ओनली एक ही प्रकार की स्टेम्स, ओनली एक ही प्रकार की सेल को डिफरेंशिएट करेगा वो प्रोडक्शन करेगा, ओनली एक ही स्टेम सेल को, जैसे कि अगर मसल्स सेल को है वो जनरेट कर रहा है तो वो ओनली मसल से स्किन सेल, ओनली स्किन सेल को ही जनरेट करेगा। देन लेकिन उसको यूनिपोटेंट स्टेम सेल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये इसमें सेल्फ रिन्यूअल का प्रोसेस होता है। सेल्फ रिन्यूअल मतलब अब जो है एक डिवाइडेशन में दो सेल्स बनती है, एक में है वो
उसका जो फेट है वो बन जाएगा, जो भी उसका फेट होगा वन ओनली एक टाइप का स्टेम सेल, दूसरे में वो खुद का है, वो जो स्टेम सेल था उसका है वो वही सेल्फ रेप्लिकेट है, वो काइंड ऑफ है वो करता है। ओके सो यहाँ भी लिखा हुआ है फर्स्ट टाइप में टोटिपोटेंट स्टेम सेल में, टोटिपोटेंट स्टेम सेल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ एन एग एंड स्पर्म। ओके एग एंड स्पर्म से आगे जायगोट एंड मोरूला स्टेज बनती है। ओके सो सेल प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट फ्यू डिवीजन ऑफ द फर्टिलाइज एग आर ऑल्सो टोटिपोटेंट। ओके सो जो फर्स्ट प्राइमरी जो डिविजन्स होते हैं इनिशिएटिव, सो उसमें है टोटिपोटेंट स्टेम सेल ही जनरेट होती है। सो दिस सेल एंड डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, यानी आईसीएम एंड ट्रोपोब्लास्ट वाली है, दोनों में है वो डिफरेंशिएट हो सकती है। ओके सो देन सेकेंड टाइप हमने बात की प्लूटिपोटेंट स्टेम सेल आर द डिसेंडेंट ऑफ टोटिपोटेंट स्टेम सेल एंड कैन डिफरेंशिएट इनटू सेल डिराइव्ड फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री जर्म लेयर। ओके सो टोटिपोटेंट का ही डिसेंडेंट है। ओके डिसेंडेंट यानी जैसे कि पहले टोटिपोटेंट आया, बाद में है वो प्लूरिपोटेंट आ रहा है। ओके बाद में मल्टीपोटेंट आएगा। ओके सो इस प्रकार से सो इसमें थ्री जर्म लेयर का फॉर्मेशन है वो कर सकती है। प्लूरिपोटेंट हमने बात की एंडोडर्मिस मेसोडर्मिस एक्टोडर्मिस की। ओके सो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की अगर बात करें, सो कैन प्रोड्यूस ओनली सेल ऑफ ए क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑफ सेल्स। ओके सो जैसे कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ओनली ब्लड रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स जो कि ब्लड कंपोनेंट्स हैं उनको डिराइव्ड करते हैं। एंड यूनिपोटेंट स्टेम सेल की बात हमने की, कैन प्रोड्यूस ओनली वन सेल टाइप बट हैव द पोटेंसी ऑफ सेल्फ रिन्यूएबल विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन स्टेम सेल। ओके सो नॉन स्टेम सेल्स तो जैसे कि नॉर्मली होती है। ओके जैसे कि स्किन की सारी जो सेल है वो इनएक्टिव स्टेज में या फिर है वो पड़ी रहती है, देन वो लेकिन रिन्यूएबल उसमें कैपेसिटी नहीं होती है। ओके और यूनिपोटेंट में हमने मसल स्टेम सेल का एग्जांपल देखा। सो हमने पोटेंसी की बात कर ली, तो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल के बाद में बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल क्या होता है? जो हमने मल्टीपोटेंट स्टेम सेल के बारे में देखा कि एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल वन टाइप सेल से ज़्यादा एक टाइप ऑफ पर्टिकुलर सेल के से ज़्यादा है वो टाइप के सेल को है वो प्रोड्यूस करता है लेकिन एक इंडिविजुअल ग्रुप में। ओके सो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल क्या करता है, ब्लड सेल में जैसे कि ब्लड प्लाज्मा को भी सेल्स को भी बना लेता है, प्लेटलेट्स सेल्स को भी यही बना लेता है, WBC को बना लेता है, RBC को बना लेता है, लेकिन ये यहीं पे रुकते नहीं है ये सेल्स। ये जैसे कि WBC बनके तो WBC रुक जानी चाहिए लेकिन WBC में भी ग्रेनुलोसाइट्स बनते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स बनते हैं सेल्स। ओके सो ग्रेनुलोसाइट्स में भी न्यूट्रोफिल सेल्स बनती है, बेसोफिल सेल्स बनती है, इयोसिनोफिल सेल्स बनती है एंड एग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी सेल, बी सेल्स। ओके सो मोनोसाइट्स में मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स। ओके सो इस पे थोड़ा वो डाउट रहता है कि ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है। बहुत सारे बहुत सारे रिसर्च पेपर पे लिखा हुआ था, किसी में लिखा हुआ था प्लूरीपोटेंट है, किसी में मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। ओके सो आपको कमेंट करके बताना है मल्टीपोटेंट है या प्लूरीपोटेंट। ओके सो बाय बाय।